हेलो दोस्तों, अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। जो इस वीडियो को पहली बार देखने जा रहे हैं, कुछ बातें उनके लिए जो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये वीडियोस महाराष्ट्र बोर्ड के मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक्स पर बेस्ड होंगे। सेकेंडली, सिर्फ स्टैंडर्ड 6 से लेकर स्टैंडर्ड 10th के स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि ये वीडियो अगर आपको एक बार में समझ में ना आए तो आप बार बार देख सकते हो। क्योंकि अगर टीचर एक्सप्लेनेशन करने के दौरान अगर आपको ना समझ में आए तो अगर आप डाउट्स भी पूछो तो बार बार पूछने पर वो टीचर भी इरिटेट हो जाती है, ये तो आप सभी को पता ही होगा। थर्डली, आप ये वीडियो लास्ट तक देखें, क्योंकि कोई भी डाउट्स हो तो आपका डाउट्स भी क्लियर होंगे अगर आप एंड तक देखो तो वीडियो। और लास्टली, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ वीडियो के थोड़े नीचे जाइए और राइट हैंड साइड में एक लाल बटन होगा सब्सक्राइब, उसे क्लिक कीजिए, ताकि मुझे ऐसा लगे कि आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो और मुझे भी एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि आप जैसे स्टूडेंट्स की मैं मदद कर सकूं। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट और लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं कराने जा रहा हूँ स्टैंडर्ड 7th का मैथमेटिक्स और वो है एल्जेब्रिक फॉर्मूले एक्सपेंशन ऑफ स्क्वेयर्स का फर्स्ट वीडियो। पिछले सेमेस्टर में फर्स्ट सेमेस्टर में आपने ये टॉपिक तो कहीं ना कहीं सीखा ही है और मैंने इसका वीडियो भी बनाया है। उसमें खासकर बेसिक चीज़ें बताई गई थी, जैसे कि इक्वेशंस कैसे सॉल्व कैसे किया जाता है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, उस हिसाब से आपको बताया गया था कि कैसे सॉल्व करना है। लेकिन ये जो एक्सपेंशन ऑफ स्क्वायर, ये एडिशनल टॉपिक जो आप देख रहे हो, ये क्या है बेसिकली? इसमें कुछ फॉर्मूलाज होंगे। ये लेसन में, इस पर्टिकुलर लेसन में आपको कुछ फॉर्मूलाज देखने को मिलेंगे, कुछ नहीं ऑलमोस्ट फॉर्मूलाज ही देखने को मिलेंगे। मैं ऐसे कह रहा था, आपको ऑलमोस्ट इस लेसन में फॉर्मूलाज देखने को मिलेंगे और बहुत ही इजी है एज सच 7th में, तो फिर भी ठीक है, लेट्स बिगिन। तो फर्स्ट फॉर्मूला जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और दो फॉर्मूलाज हैं। फर्स्ट फॉर्मूला है a प्लस बी द होल स्क्वायर और एक है a माइनस बी द होल स्क्वायर। ओके, तो ये दो फॉर्मूलाज आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंटली आपको दिमाग में बिठाना है, कैसे भी करके आपको याद रखना है, क्योंकि एक ये सब बेसिक फॉर्मूलाज है। जैसे जैसे अगर आप 8th 9th 10th में पहुंचोगे तो ये फॉर्मूलाज बहुत ही काम आते हैं। ओके, तो ए प्लस बी द होल स्क्वायर का, ए प्लस बी द होल स्क्वायर, होल स्क्वायर का मतलब ये ब्रैकेट है और इसके बाद स्क्वायर लगाया गया, तो कैसा होगा? ए स्क्वायर प्लस 2 into a into b प्लस बी स्क्वायर। इन शॉर्ट आप 2ab भी बोल सकते हो। भाई मैंने क्यों इसके लिए मल्टीप्लिकेशन वाला साइन यूज किया, क्योंकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। अभी यहाँ देखो, यहाँ भी सेम है, बस आपको साइन का थोड़ा सा डिफर होगा। देखो क्या होगा, a माइनस बी द होल स्क्वायर, इसको हम बड़े में लिखते हैं, होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2 into a into b प्लस बी स्क्वायर। ओके, इसमें भी देखो, अभी दोनों फॉर्मूला सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, सिवाय है ये कि यहाँ प्लस यहाँ पर माइनस है, बस एज सम देखो, एज पर देखो, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस, सॉरी यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस, यहाँ माइनस है तो यहाँ आपको माइनस डालना है, दैट्स इट। अभी आपको सम्स कैसे मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट 50, प्रैक्टिस सेट 50 में अगर आप देखने जाओ तो बहुत ही इजी है एज सच, मैं यही कहना चाहूंगा, क्योंकि जैसे जैसे मैं सम्स करूंगा तो आप लोग समझते भी जाओगे, ऐसा ऐसा कुछ है नहीं। ओके, सो आपने ये फॉर्मूला को याद रखा है। ओके, सो मैं फिलहाल प्रैक्टिस सेट शुरू करता हूँ स्टूडेंट्स, दिस इज मच इम्पोर्टेंट। सो प्रैक्टिस सेट 50, ओके, पेज नंबर मैं आपको बताता हूँ, पेज नंबर 93, जिसको दिक्कत होती है टेक्सट बुक ओपन करने में, मैं सीधा बताता हूँ, पेज नंबर 93 ओपन कीजिए। उसमें देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है लोगों ने, एक्सपांड, ओके, एक्सपांड या सॉल्व जो भी है, एक्सपांड को एकदम गलत तरीके से मत लीजिए कि आपको सम्स को एकदम एक्सपांड करना है, जो है ना सम को आपको दूर दूर तक, पेज एंड तक, मार्जिन पेज का एंड तक लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाउ लेट मी बी सीरियस, मैं जो मजाक में था, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, दोनों फॉर्मूलाज आपको याद रखने, इससे पहले मैं जो आपको बताया था, 5a प्लस 6b द होल स्क्वायर। ओके, यहाँ पर प्लस है, फर्स्ट पॉइंट नोट कीजिए, ये दोनों एक ब्रैकेट में, होल स्क्वायर, होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, दो दो ये टर्म्स होते हैं, दो टर्म्स होते हैं उसके बाद स्क्वायर डाला गया। ओके, आप देख सकते हो, ये याद रखना है आपको।
अभी देखो इसमें क्या है, हमने क्या देखा था, ए प्लस बी द होल स्क्वायर, इस तरह से कुछ देखा था। अभी जो ए है हम इसे कंसिडर करेंगे एज ये 5a को हम a कंसिडर करें, 6b को हम b कंसिडर करें। अभी हमें कौन सा फॉर्मूला लेना है, फर्स्ट या सेकेंड? ऑब्वियसली फर्स्ट वाला, क्योंकि यहाँ पर प्लस है इसके, जो मैंने इसके पहले लिखा था उसके बारे में बता रहा हूँ। a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर। आपको फॉर्मूला भी लिखना है स्टूडेंट्स, क्योंकि क्या होता है कि डायरेक्ट करोगे तो पूरा का पूरा गलत होगा। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अभी ए स्क्वायर की जगह आप क्या डालोगे, आपने क्या कंसिडर किया वो देखना है। ए देखो ए प्लस बी तो वही है, जैसे क्वेश्चन में वही आता है, यहाँ से शुरू करिए। ए स्क्वायर में क्या है, फाइव ए, तो हम कैसे लिखें, फाइव ए स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab का मतलब 2 इंटू ए इंटू बी है, 2 इंटू ए इंटू बी, ओके ये याद रखना। उसके बाद देखो मतलब वही है, 2 इंटू ए इंटू बी मतलब आपको पहली बार 2 लेना है, फिर a मतलब 5a मल्टीप्लाई बाय 6b, ये तीनों एक्सपेंड किए मैंने अच्छे से फॉर्मुलेट किया, फिर प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर का मतलब b क्या है, ये 6b स्क्वायर, 6b और स्क्वायर डालना है। ओके आप लोग समझ गए, ए जैसे जैसे आपको ये टर्म्स है ए और बी याद रखना है, जो मेन फॉर्मूला उसको याद रखना है, उस हिसाब से आपको कंसीडर करना है। सो सॉरी बुक के लिए। ओके सो देखिए अभी यहाँ 5a स्क्वायर मतलब 5a स्क्वायर प्लस 2 5a 5b प्लस 6b स्क्वायर। अभी देखो 5 ऐसा कितना होता है, स्क्वायर है, ऑब्वियसली स्क्वायर मतलब दो बार मल्टीप्लाई होगा। 5 ऐसा कितना होगा, 25a स्क्वायर। ये a स्क्वायर डालना है आपको, लेटर है इसके लिए, नंबर होता है ऐसा कुछ होता है तो 5 स्क्वायर होता तो क्या होता, 25 होता। लेकिन अगर 5a स्क्वायर होगा क्या होगा, 25a स्क्वायर, क्योंकि ये देखो ये जो लेटर होता है इसके ऊपर जो स्क्वायर होता है वो कंपलसरी लिखा जाता है। ओके जैसे जैसे मैं सम्स करूंगा आप लोग समझ जाओगे, नो नीड टू वरी अबाउट इट। क्योंकि क्या होता है कि फर्स्ट सम में तो बहुत सोचते हैं यार कि यार नहीं हो पाए, हो ही नहीं पाएगा मेरे से, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ये देखो 5 ये हमने सॉल्व किया, a स्क्वायर लिया प्लस, अब ये तीनों को आपको मल्टीप्लाई ऐसे करना है, 2 5 10 10 6 60, और इसमें कितने लेटर्स है इतना ही देखो, 2ab है ना एक साथ है इसके लिए 2ab, तो अब इसमें कितने सारे लेटर्स है, ए है एक और बी है, तो उसको एक साथ ना 60ab प्लस 6b स्क्वायर, 6 6 कितना होता है 36b स्क्वायर। इस तरह से हमें सॉल्व करना है ये ऐसे सम्स, आगे आगे देखेंगे। फिलहाल आप इस सम को पॉज करके देख लीजिए एक बार वीडियो, फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके सो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू। इसमें क्या दिया गया है देखो, ये फ्रैक्शनल फॉर्म में, इसके पहले का हमने एक नॉर्मल नंबर और नॉर्मल लेटर वाला किया था, ये तो फ्रैक्शनल फॉर्म में, ए अपॉन 2 प्लस बी अपॉन 3 द होल स्क्वायर। एक बार क्रॉस चेक करते हो, ए अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन बी द होल स्क्वायर। ओके तो ये भी नॉर्मल तरीके से ही करना है आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल इसे आप ए कंसीडर करो, इसे आप बी कंसीडर करो। अब ए प्लस बी द होल स्क्वायर है, ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू ए मल्टीप्लाई बाय बी है मल्टीप्लाई प्लस बी स्क्वायर। अभी ए की जगह क्या डालोगे आप, ए अपॉन 2। ओके ये जो स्क्वायर डालो, फिर 2 इंटू ab, ab का मतलब ए अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय बी अपॉन 3 प्लस बी अपॉन 3 स्क्वायर। अभी ये देखो ए ए स्क्वायर तो हो जाएगा, 2 2 जा कितना होगा 4, और जैसे हमने प्रीवियस सम में देखा लेटर रहता है तो हमें वो स्क्वायर और लेटर एज इट इज नीचे लाना है, ये हुआ प्लस, ये आपको ना अभी क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन में आपको पता पूरा स्ट्रेट मल्टीप्लाई करना है, तो न्यूमरेटर और न्यूमरेटर का पूरा स्ट्रेट मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर भी स्ट्रेट एज इट इज रिस्पेक्टिवली। 2 इंटू ए प्लस बी कितना होगा, 2ab सॉरी 2 इंटू ए प्लस बोला, प्लस नहीं होगा 2 इंटू ए और 2ab होगा, मतलब 1 2 2 3 2 6 प्लस ये बी स्क्वायर और ये 3 3 कितना होगा 9। अभी अभी यहाँ देखो यहाँ पर लोएस्ट कर सकते हो, देखो 2 1 2 2 3 6 आंसर क्या है, ए स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 3 ab प्लस बी स्क्वायर 9। ओके तो दिस इज व्हाट इज योर आंसर।
आप चाहे तो स्टूडेंट्स एक बार पॉज करके देख सकते हो वीडियो, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। ओके सो स्टूडेंट्स नाउ लेट्स डू द थर्ड क्वेश्चन, मतलब वो देखते कैसा है क्या है। मतलब दो क्वेश्चंस थे वो ए प्लस बी द होल स्क्वायर पे बेस्ड थे, अभी जो थर्ड क्वेश्चन है वो होगा ए माइनस बी वाला। तो इसमें देखो अभी क्या लिखा है, 2p-3q द होल स्क्वायर, ओके ये लिखा गया है। तो आपको इतना याद रखना है, इसको ए और इसको बी कंसिडर करना है। ओके अभी देखो इसमें कैसे लिखोगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab, मैं पहले पूरा फॉर्मूला लिखता हूँ, a माइनस बी द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस ये लिखना है क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन दिया है, प्लस बी स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर की जगह आप क्या डालोगे, 2p स्क्वायर, सॉरी मैं 2a लिख रहा हूँ, 2p एज इट इज 2, अब ये 2p पूरा लिखना है इंटू 3q प्लस 3q स्क्वायर। अभी देखो 2 2 4p स्क्वायर, देखो अभी ये पूरा मल्टीप्लाई करना है, 2 2 4 4 3 12 pq, पूरा एक साथ लेना है। देखो ये मैं सर्कल किया हुआ, pq भी एक साथ लोगे और ये देखो 2 2 4 4 3 12, और ये है 3 3 9q स्क्वायर। दिस इज व्हाट इज द आंसर स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी है। बेसिक्स है इसके लिए, मैं आप लोगों को क्लियर आउट करना चाहता हूँ क्योंकि बहुत से वीक स्टूडेंट्स भी हैं हमें देखने वाले, सो मैं उन्हें यही कहना चाहता हूँ कि नो नीड टू वरी अबाउट, बहुत ही इजी सम्स है। आप लोग एक बार पॉज करके देख लीजिए, उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। ओके तो स्टूडेंट्स हमने तीन सम सॉल्व किए, लेट्स चेक आउट द फोर्थ क्वेश्चन। मैं तो चाहता हूँ कि मैं पूरे के पूरे सम्स ही करूँ, क्योंकि क्या है कि ऐसा बहुत डिफरेंट डिफरेंट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि सब सेम है यार, कुछ ऐसा वो कहूँ कि आपको करने के लिए खुद से। तो मैं फोर्थ वाला करता हूँ, उसमें देखो x-2/x द होल स्क्वायर, अभी यहाँ पर कैसे एक नॉर्मल लेटर, मतलब नॉर्मल नंबर नॉर्मल लेटर, और यहाँ पर फ्रैक्शनल टाइप है, अभी देखो दोनों मिक्स है। अभी नॉर्मल आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप ए और बी कंसिडर करना है, उसके बाद क्या करना है, ए माइनस बी का बराबर माइनस ही है ना, ये तो गड़बड़ हो जाएगा, तो क्या लिखना है, ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अभी ए की जगह आप क्या डालोगे, एक्स स्क्वायर, और यहाँ एक्स इंटू 2/x प्लस 2/x स्क्वायर, फिर ये एक्स स्क्वायर तो एज इट इज नीचे आएगा क्योंकि कुछ है ही नहीं, 2x 2 2 4 / x, ये देखो जब आप स्ट्रेट मल्टीप्लाई करते हो क्या होता है, 2 2 4 और x एक साथ आता है, ये जो डिनोमिनेटर x है यहाँ पर, और ये 2 2 4 और x x स्क्वायर होगा इधर, ओके स्क्वायर यहाँ पर आएगा, ऑलराइट जो स्क्वायर हम ले रहे 2 2 4 है, x स्क्वायर होगा, ये याद रखना है, स्क्वायर इधर आएगा। अब यहाँ देखो यहाँ पर x और x रिपीट हो रहे, तो इसको कट कर देते हैं, अभी क्या बचता है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4x स्क्वायर, ओके दिस इज व्हाट इज योर आंसर। इसे भी एक बार पॉज करके देख लीजिए स्टूडेंट्स, देन वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सो लेट्स सी द फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में बेसिकली ए एक्स प्लस बी वाई द होल स्क्वायर, ओके ये प्लस वाला है, नॉर्मली आपको इसे आप ए कंसीडर करो, इसे आप बी कंसीडर करो, नो प्रॉब्लम, वैसे करना है जैसे हर सम्स की आपने जो चार सम जैसे मैंने आपने लिखा वैसे करना है। एक बार क्रॉस चेक कर तो क्वेश्चन तो बराबर है, ओके तो ये देखो ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला डालिए, ए स्क्वायर प्लस 2 a into b प्लस बी स्क्वायर, ये क्या ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 a x into b y प्लस बी वाई स्क्वायर। यू नीड टू बी फास्ट, पता है एकदम स्पीड हो जाता है, मतलब एकदम अगर आप थरर हो गए ना एलजेब्रा में, एलजेब्रा में तो बहुत ही स्कोरिंग होता है, ज्योमेट्री का होता है तो थ्योरम वेरम होता है, नाइन्थ की बात करो नाइन्थ टेंथ की, बड़ा ही हार्ड हो जाता है ज्योमेट्री के मैटर में, लेकिन एलजेब्रा होता है बड़ा ही स्कोरिंग होता है, ये सब होते हैं बहुत ही ईजी हो जाता है।
एक बार आप एक चीज समझ जाओ। ओके तो यहाँ देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, एस अभी देखो यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर है, मतलब क्या होगा ए, अभी आपको ध्यान से देखना, देखो ए स्क्वायर होगा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर होगा। वो क्यों हो रहा है, क्योंकि हम एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई, देखो यहाँ पर हर सम में अगर आप देखो तो 2x² होता है, तो क्या होता है, पहली बात हम इसके साथ करते हैं, 2 2 4 होगा, फिर एक्स स्क्वायर लेते थे, मतलब इस पहला ये जो 2 है इसके साथ होगा मल्टी, जो स्क्वायरिंग होगा उसके बाद सेकेंड वाले वेरिए टर्म के टर्म में जो सेकेंड वाला होता है वो वेरिएबल कांस्टेंट वो सब एक साथ मल्टी हो जाते हैं स्क्वायरिंग। अभी देखो यहाँ पर ऐसा हो रहा है प्लस, अभी देखो ये पूरा स्ट्रेट मल्टीप्लाई 2 into AX BY एक साथ लिखना है, क्योंकि सिमिलर लेटर्स नहीं है, अगर सिमिलर होता तो स्क्वायर वगैरह होता है, ए होगा ए, अगर दो बार होता तो ए स्क्वायर होता, वाई होता तो वाई स्क्वायर होता, ऐसा कुछ नहीं है, एक साथ लाना। उसके बाद सेम वे यहाँ पर क्या, वैसे फर्स्ट ऑफ ऑल बी 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 स्क्वायर का कितना होगा, ऑब्वियसली बी स्क्वायर, और ये वाई स्क्वायर। ओके सो दिस इज व्हाट इज योर आंसर स्टूडेंट्स, इसे भी एक बार पॉज करके देख लीजिए। अगर आपको ये सम कंफ्यूज हो रहा हो ऐसे टाइप के सम्स, तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आप सभी को कि इस वीडियो को थोड़ा सा आप रिवाइंड कीजिए पीछे और थोड़ा देख लीजिए वो दोबारा से, आई डेफिनेटली कहता हूँ आप लोग समझ जाओ। ओके तो फिलहाल पॉज करके देख लीजिए इस वीडियो को, उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, और मतलब आई मीन सिक्स्थ वन। ओके 7m कुछ ऐसा है, 7m-4 द होल स्क्वायर। ओके तो इसे भी नॉर्मल तरीके से ही करना है, आप चाहते हो मैं करूँ, क्योंकि ये बहुत ही इजी है, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ, मैं ओरली बताता हूँ। इसमें क्या करना है आपको, पहले इसको a कंसीडर करो, इसको b करो, 7m लो, जैसे कैसे रहेगा ए स्क्वायर प्लस माइनस है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह पर क्या लिखोगे, 7m स्क्वायर माइनस 2 into 7m मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 4 स्क्वायर। ओके तो उसके बाद आप सॉल्व कीजिए, उसी हिसाब से आपको आंसर मिलेगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। ओके सो फिलहाल ये हो गया, फिर इसके बाद सेवन्थ वाला देखते हैं उसमें भी क्या डिफर है, आई मीन एक्स या एक्स प्लस 1/2 कुछ इस तरह से है द होल स्क्वायर। ओके ये भी इजी है, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर फोर्थ वाला देखा था उसमें माइनस वाला था क्वेश्चन नंबर फोर, अगर आप देखो टेक्स्ट बुक में वो और सेवन सम बहुत ही सिमिलर है, सिवाय इस एक के कि उसमें माइनस है इसमें प्लस। ओके सेम आप ए कंसीडर करो, इसको बी कंसीडर करो, एंड दैट्स इट, आपको आसानी से सॉल्विंग होगा और कुछ। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो है एट वाला, आई गेस या एट वाला, वो भी सेम है, बस इसमें एक्स की जगह आप लोगों को कन्फ्यूज करने के लिए ए दिया गया है, मतलब ऐसे इस तरह से, मतलब आप रिलेट कर सकते हो इसको फोर्थ सम की तरह, सेम फोर्थ और सेवन सम की तरह, बस आपको ए माइनस बी द होल स्क्वायर कर लेना। ओके वही है, दैट्स इट। ओके तो इस तरह से मैंने क्वेश्चन नंबर वन एक्सपेंड करके जो क्वेश्चन दिया है, आई डोंट नो एक्सपेंड क्यों बोलते हैं लोग, सॉल्व भी बोल सकते थे, सिंप्लीफाई भी बोल सकते थे, लेकिन नहीं, इन लोगों ने एक्सपेंड करके दिया, मतलब कुछ ऐसे टाइप ये दिया है टॉपिक। फर्स्ट क्वेश्चन हुआ, अभी देखो इसमें सेकेंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, बड़ा ही बोरिंग टाइप है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ स्टूडेंट्स, सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन सिर्फ एक्टिविटी रिलेटेड होते हैं, वो लोग बोलते हैं कि फाइव बाइनोमियल ढूंढो, फाइव मोनोमियल ढूंढो, ऐसा कुछ आता नहीं है, जो मेन मेन टॉपिक्स है वो हम देखेंगे, वो हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे। अब मैं डायरेक्टली आपको करवाऊंगा क्वेश्चन नंबर, सो क्वेश्चन नंबर फोर में अगर आप देखो तो एक सॉर्ट ऑफ नंबर दिया गया है, उसके साथ होल स्क्वायर दिया गया है, बड़ा ही कंफ्यूजिंग है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपको करवा के बताता हूँ, उसमें क्या बताया है कि 997, ओके इसमें क्या बताया गया 997 स्क्वायर। देखिए अभी ये क्वेश्चन जो शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, बड़ा ट्रिकी वे है, मतलब अगर आप कॉमन सेंस इस्तेमाल ना करो तो ये समझने को ही नहीं आएगा ऐसे। अभी देखो इसमें क्या है, वी हैव टू राउंड अप, जैसे कि अभी देखो 997 के आसपास कौन सा है, जैसे कि टेंस, आपको ये याद रखना है, टेंस 100 1000 10000, ओके ये चीज़ें याद रखनी, वी हैव टू मेक इट नियरेस्ट। जैसे कि देखो 997 के आसपास कौन सा, आगे वो 1000 के आसपास रहेगा, समझ रहे हो आप लोग। देखो मैं दो सारे सम्स करवाऊंगा, इसमें कुछ चार सम्स, चार क्वेश्चन से मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा,
एज इफ, देखो 10, 100, 1000, 10,000 ये याद रखना है आपको। अब देखो 997 किसके आसपास है, 1000 के, तो कैसे करना है आपको, देखो कितना 998, 999, 1000 ओके। सो आपको कैसे लिखना है, 1000 - 3 द होल स्क्वायर ऐसे लिखना है ओके। मैं आपको बताऊंगा, रुको मैं सारे सम्स का एक ये बताता हूँ फॉन्ट कैसे किया जाता है ठीक है। 997 का करीब कितना था, 1000 से 998, 999, 1000 3 तो कैसे लिखो, 1000 - 3। सेकेंड क्वेश्चन अगर आप देखो 102 द होल स्क्वायर लिखा गया, मतलब ये कैसा है, 100 + 2 भी लिख सकते हैं, 100 + 2 द होल स्क्वायर, मतलब आपको कैसे बनाना है, एक दो ये बनानी है, दो टर्म्स बनाने, जैसे कि ए और बी समझ रहे हो वैसे बनाना है। तो इसमें देखो 997 का क्या है, 1000 - 3 द होल स्क्वायर, यहाँ पर क्या है 100 + 2, क्योंकि ये क्या है 997 बहुत ज्यादा ही बड़ा हो रहा है, मतलब वो सिर्फ नियरेस्ट हो सकती है, कैसे है वो अंडर में आ रहा है, 100 + 2 हो रहा है ओके। उसके बाद देखो थर्ड क्वेश्चन देखो 97 द होल स्क्वायर, ये थर्ड वाला है 97 स्क्वायर द होल स्क्वायर, ये किसके करीब आ रहा है, 100 के करीब, जैसे ये देखो 987 किसके करीब था, 1000 के, ये कैसे है 97 100 के करीब है, तो 100 - 98, 99, 100 - 3 द होल स्क्वायर ओके, ये समझ रहे हो। उसके बाद फोर्थ वाला देखो, फोर्थ वाला बड़ा ही डिफरेंट है, वो कैसे है 1005 द होल स्क्वायर, कुछ इस तरह से। अब यहाँ 1000 कवर अप हुआ, मतलब इन शॉर्ट में ये बताना चाहता हूँ, जहाँ पर 100, 1000, 100 और 1000 को पकड़ते हैं, 100 और 1000 रहेगा कवर अप रहेगा, तो कैसे लिखो, 100 + 2 102 हो रहा है। अभी देखो 1000 + 5 द होल स्क्वायर ओके। अभी मैं आपको एक रिकैप देता हूँ, वापस एक और बार आपको एक्सप्लेन करता हूँ 997 क्या है। आपको एक चीज याद रखना है, अगर ऐसे सम्स रहे कि 102 है तो कैसे करना है, ये हंड्रेड्स में आ रहा है, 100 है, 100 नजदीक है, 100 + 2 ओके। ये कैसे 997 कुछ ज्यादा ही बड़ा है, लेकिन उसका करीब 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 आगे आगे आ रहा है, तो किसके नंबर से ये हो रहा है, मैच टाइप हो रहा है 1000, तो कितना कम हो रहा है, 1000 - 3। तो इधर कौन सा फॉर्मूला यूज करना है आपको, ए माइनस बी द होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ माइनस है, यहाँ पर आपको ए प्लस बी द होल स्क्वायर यूज करना है ओके। यहाँ पर आपको a माइनस बी द होल स्क्वायर सॉल्व करना है, और यहाँ पर आपको a प्लस बी द होल स्क्वायर, मतलब अगेन यू हैव टू सॉल्व ओके। तो आप लोग समझ रहे हो, ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, आज सच ऐसा नहीं सोचिए कि यार ये बहुत ही टफ है, आपको 100 और 1000 को याद रखो, क्योंकि यहाँ पर 10 और 10,000 का तो कुछ है नहीं सम में, अगर होगा तो भी कर सकते हो। अगर ये देखो ये 100 के अंदर आ रहा है, 100 के अंदर आ रहे, देखो 102 आ रहे, तो क्या करोगे 100 + 2 प्लस करोगे, 1005 है तो 1000 + 5 करोगे ओके। तो यहाँ देखो यहाँ 997 थाउजेंड्स में नहीं आ रहे, लेकिन वो थोड़ा आगे जैसे जाएगी, जैसे ही मतलब 997 आगे जाएगा तो 1000 तक पहुंचेगा, तो पर कितना कम हो रहा है, अनफॉर्चुनेटली 1000 से कम है ये ओके। 1000 के नजदीक तो जा रहे, लेकिन ये नंबर अभी प्रेजेंटली 1000 से कम है, तो 1000 - 3 इसीलिए लिया जाता है। यहाँ पर देखो 97 है, वो 100 में एग्जैक्टली नहीं आया, वो आने वाला है, तो वी हैव टू टेक 100 - 3 द होल स्क्वायर, वो इसीलिए लिया जाता है, दो टर्म्स ही होते हैं, और उस हिसाब से आप ए माइनस बी या ए प्लस बी के हिसाब से आप फॉर्मूला मतलब फॉर्मुलेट कर सकते हो, इन शॉर्ट ये बताना चाहता हूँ। फिर लास्ट में क्या करना है आपको, देखो यहाँ पर भी लेटर्स का तो कुछ है नहीं, लास्ट में आपको जो भी नंबर मिलेगा आपको ऐड ऑन करना है, या जो भी है कैलकुलेट करना है, ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी है उस हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है, और आपको आंसर मिल जाएगी, सिंगल आंसर मिल जाएगा, एक ही एक आंसर ही मिल जाएगा ओके। सो इस तरह से मैंने प्रैक्टिस सेट 50 कवर अप करने की कोशिश की इस वीडियो में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ करो लाइक, दोस्तों को शेयर करो, और अगर आपको इन सम्स के रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताइए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। स्टूडेंट्स ऐसा मत सोचिए कि यार मैंने हाफ वे पढ़ाया कुछ, ऐसा कुछ नहीं, मैंने पूरा कंप्लीट ही किया ओके। अगर आप देखने जाओ तो इसे भी आप सॉल्व करोगे तो आप लोगों को आसानी होगा ओके। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर अपडेट देते रहिए, और शेयर भी करो दोस्तों से ये वीडियो, दोस्तों को ये शेयर करो ये वीडियो, और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ वीडियो के ठीक नीचे जाइए,
रेड बटन, उस पर क्लिक कीजिए सब्सक्राइब, इस तरह से मुझे मिलेगा सपोर्ट। और थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।